ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब यूजिंग ए ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। इस ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप सेटअप का यूज़ करते हुए हमें इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन, इसे ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सेटअप है ये दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एक नट ये दिया हुआ है यहाँ पर, इसे लूज करके हम इसको हॉरिजॉन्टल एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह का एक नट ये पीछे की तरफ दिया हुआ है, इसे लूज करके हम इसे वर्टिकली अप एंड डाउन एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। अब इस प्रैक्टिकल में हम तीन तरह की रीडिंग नोट करेंगे, R1, R2 एंड R3। R1 रीडिंग के अंदर इस क्रॉस मार्क को बिना स्लैब रखे डायरेक्ट इस आईपीस के थ्रू देखेंगे, जो रीडिंग आएगी वो इस स्केल से नोट करेंगे, वो कहलाएगी R1। उसके बाद हम इस मार्क के ऊपर स्लैब रख देंगे, स्लैब रखने से मार्क अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा, यानी उसका अपेरेंट शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसे वर्टिकली इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो मार्क हमें फिर से फाइन दिखने लग जाए। जिस पोजीशन पे वो दिखेगा स्केल पर, वो पोजीशन कहलाएगी R2। उसके बाद हम स्लैब के ऊपर पाउडर पार्टिकल डालेंगे, उन पाउडर पार्टिकल्स को हमें फिर से क्लियर देखना है। उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से इसे वर्टिकली इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि अब वो पार्टिकल्स हमें साफ साफ नज़र आ जाएँ, वो पोजीशन R3 कहलाएगी। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे म्यू वाली, R3 - R1 / R3 - R2। दिस इज़ रियल डेप्थ एंड दिस इज़ अपरेंट डेप्थ। तो म्यू की वैल्यू 1.50 के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो प्रैक्टिकल बहुत इजी है, पर थोड़ा सा स्केल अलग तरह का है इसका। इस स्केल को बोलते हैं हम वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो मैं आपको पहले इस स्केल को रीड करना सिखाऊंगा। इधर देखिए, ये जो बड़ा वाला स्केल आप लोग देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 तक की मार्किंग्स हैं, ये वाला बड़ा स्केल कहलाता है मेन स्केल। और ये जो छोटा स्केल है जिसमें 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 यानी 50 डिविजन्स तक की मार्किंग है, ये कहलाता है इसका वर्नियर कैलिपर स्केल या वर्नियर स्केल। ठीक है, अब इस स्केल में और एक हमारे ऑर्डिनरी स्केल में क्या डिफरेंस होता है कि हमारा ऑर्डिनरी स्केल 10 डिविजन्स में डिवाइडेड होता है, यानी उसमें किन्हीं दो मार्किंग के बीच 10 डिविजन्स होते हैं, यहाँ पर 20-20 डिविजन्स का मार्जिन है। ठीक है, अब ये स्केल किस तरह का है मैं आपको कॉपी में बना के दिखाता हूँ, एक मिनट कॉपी दीजिए। देखो, मान लीजिए ये है 1.0 सेंटीमीटर या फिर 10 मिलीमीटर। अब इसके ऊपर एक पतली लाइन है 1.05, 1.10, 1.15, 1.20, 25, 30, 35, 40, 45 और 1.50। ये हो गया 10 डिविजन्स। अब नेक्स्ट 10 डिविजन्स में 1.55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 952। ये हो गया 20 डिविजन्स का मार्जिन। तो अगर मैं केवल इस मेन स्केल का लीस्ट काउंट निकालता हूँ तो वो आएगा 1/20, यानी कि 0.05। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हर मार्किंग 0.05 रीडिंग बताएगी, आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके साथ में एक वर्नियर कैलिपर स्केल जुड़ा हुआ है जिसमें यहाँ 0 के बाद ऊपर 50 डिविजन्स हैं। ठीक है, अब इस स्केल के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, वो होता है MSD मेन स्केल डिवीज़न प्लस VSD वर्नियर स्केल का बेस्ट कॉन्सर्टेड डिवीज़न इनटू इसका लीस्ट काउंट। इस पूरे वर्नियर कैलिपर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो है 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर। अगर आप इस मेन स्केल को सेंटीमीटर में रीड करेंगे, जैसे कि 1.05 सेंटीमीटर, तो फिर लीस्ट काउंट आप यूज़ करेंगे सेंटीमीटर वाला। और अगर आप इसे मिलीमीटर में रीड करेंगे, जैसे 10 मिलीमीटर, 10.5 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर, 11.5 मिलीमीटर, तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा 0.01 मिलीमीटर वाला लीस्ट काउंट। ठीक है, अब इस MSD को रीड करने का तरीका है कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की जिस रीडिंग को शो करेगा वो MSD कहलाएगा। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की जिस रीडिंग से कॉन्सेंट्रेट होगा या शो करेगा वो उसका MSD कहलाएगा। उसके बाद VSD को रीड करने का तरीका है कि वर्नियर स्केल के 0 को छोड़कर ऊपर के वर्नियर के 50 डिविजन्स में से एक डिवीज़न ऐसा होगा जो सामने वाले मेन स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होगा, तो वो वर्नियर का डिवीज़न आपको पहचानना है कि वो 50 में से कौन सा है, और वो केवल एक ही होगा। ठीक है, फिर हम VSD को उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है,
अब इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मान लीजिए ये वन ईयर का जीरो किस, अभी यही एग्जांपल लेते हैं, इस टाइम ये किससे कॉन्साइडेड है, 1.3 से, सॉरी 1.2 से, 1.20 सेंटीमीटर से स्ट्रेट कॉन्साइडेड है। मान लीजिए ये 1.20 से स्ट्रेट कॉन्साइडेड है, इस टाइम एमएसडी क्या लेंगे आप लोग? 1.20 लेंगे, बिल्कुल सही है। अब एक और मान लीजिए ये जीरो 1.20 और 1.25 के बीच में है, इस टाइम एमएसडी क्या लेंगे? अकॉर्डिंग टू वन ईयर्स रूल आप यहाँ पर 1.20 कंसीडर करेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए इस टाइम इस मार्क ने 1.20 को क्रॉस कर लिया है, जबकि ये 1.25 तक नहीं पहुँचा। तो जब ये 1.25 तक नहीं पहुँचा तो हमें 1.20 लेना पड़ेगा, परंतु 1.20 के बाद इसने ऊपर तक कितनी डिस्टेंस कवर की, इस डिस्टेंस का मेजरमेंट ये VSD और लीस्ट काउंट मिलकर के करेंगे कि 1.20 के बाद ये इतना ऊपर और गया, ठीक है। तो जब जीरो किसी रीडिंग से स्ट्रेट कॉन्साइडेड है, अच्छा इसमें एक जो स्केल की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें एक कंडीशन फुलफिल होती है कि वन ईयर स्केल के 50 डिवीज़न मेन स्केल के 49 डिवीज़न से कॉन्साइडेड होते हैं, ठीक है। तो अगर ये जीरो किसी रीडिंग से स्ट्रेट कॉन्साइडेड है, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि इस वर्नियर के ऊपर के 50 डिवीज़न इसके ऊपर के 49 डिवीज़न के बराबर होंगे। तो यानी अब आपको इस केस में VSD को रीड नहीं करना है, उसको ज़ीरो मानना है, क्योंकि इस टाइम इसके 50 इसके 49 के बराबर है। पर अगर ये रीडिंग किन्हीं दो रीडिंग्स के बीच में है तो उस केस में आप MSD 1.20 लेंगे और अब आपको यहाँ पर VSD भी रीड करना पड़ेगा, यानी आपको उन 50 डिवीजन्स में से एक बेस्ट कॉन्साइडेड डिवीज़न देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। वही हम तीन रीडिंग लेंगे, R1, R2 एंड R3। MSD प्लस VSD इंटू लीज काउंट, MSD प्लस VSD इंटू लीज काउंट और MSD प्लस VSD इंटू लीज काउंट। अब देखिए हर ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप अलग अलग रीडिंग से फोकस करना स्टार्ट करता है कई बार। हमारा ये जो सेटअप है इसमें मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रीडिंग में वन ईयर के जीरो को मेन स्केल के जीरो से कॉन्साइड करा दूंगा और फिर उसके बाद इस आईपीस को ऊपर नीचे करके हम इसको मार्क को क्लियर देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको आपके स्कूल में देखना पड़ेगा कि आपके जो स्कूल का सेटअप है वो किस रीडिंग से स्टार्ट करता है, उसका तरीका क्या है। पहले आप वन ईयर के जीरो को मेन स्केल के जीरो से कॉन्साइड कराइए, उसके बाद इस पूरे आईपीस को ऊपर से लेकर नीचे तक शिफ्ट करो। अगर ये कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल फाइन दिखता है, इसका मतलब वो रीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर नहीं दिखता तो फिर आप उस जीरो को वन पे ले जाएंगे, वन पे कॉन्साइड कराइए, फिर से इस आईपीस को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक शिफ्ट करो, कहीं ना कहीं मार्क क्लियर दिखेगा। नहीं दिखता फिर आप टू पे रखो, थ्री पे रखो, फोर पे रखो। तो ये है चेक करने का तरीका कि आपके स्कूल का जो सेटअप है वो कहाँ से फोकस करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। हमारा जो सेटअप है इसमें मैं ये करूँगा कि वन ईयर के जीरो को मेन स्केल के जीरो से कॉन्सर्ट करा दूँगा और फिर इस आईपीएस के थ्रू इसको क्लियर देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, इसे बोलते हैं हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। मान लीजिए कई बार आपको जैसे आपने रीडिंग सेट करनी चाहिए और आपको क्लियर दिख गया, पर फिर भी और अच्छा दिख सकता था कि नहीं दिख सकता था, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसका काम केवल आप एक या दो बार इधर घुमाएंगे, एक या दो बार इधर की तरफ घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। उससे क्या होगा, ये जो वर्नियर स्केल है ये थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा। तो अगर आपको कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट है कि और ज़्यादा फाइन हो सकता है क्या, मार्क मान लीजिए क्लियर दिख रहा है पर फिर भी गुंजाइश है कि थोड़ा सा ऊपर और अच्छा दिख जाए या नीचे और अच्छा दिखे, इसको एक दो बार इधर घुमा लो, एक दो बार इधर घुमा लो, बस अगर दिखना होगा तो दिख जाएगा, नहीं तो फिर वो जो आपने पहले सेट किया था वो बिल्कुल फाइनल होगा। तो इस टाइम मैंने वन ईयर के जीरो को मेन स्केल के जीरो से कॉन्सेट करा दिया है। एक मिनट, यहाँ देखिए दो दो तीन तीन जने देखिए, वन ईयर का जीरो मेन स्केल के जीरो से स्ट्रेट कॉन्साइडेड है और साथ ही साथ इस वर्नियर के 50 डिवीज़न इस मेन स्केल के 49 डिवीज़न से कॉन्साइडेड है। लास्ट का एक डिवीज़न बचा हुआ है ऊपर का, ठीक है। आप भी देखो, ठीक है। सही है। तो
अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इस मार्क को इसके थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। ये मार्क मेरे हिसाब से बिल्कुल फाइन पोजीशन में मुझे दिख रहा है, साफ साफ, इतना मोटा मोटा है क्योंकि 10x जूम लग रहा है इसमें जो लेंस है। अब आप इसे देखेंगे और साथ ही साथ इसको भी वेरी करके देखेंगे। अगर ये मार्क और अच्छा दिख सकता था, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, हो सकता है कि और अच्छा दिख जाए, या फिर ऊपर की रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। दिस इज रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ये मूवमेंट सिर्फ फर्स्ट टाइम एडजस्टमेंट के लिए करोगे, फिर थ्रेडिंग करोगे। इसको घुमाने से रीडिंग में कोई चेंज नहीं आया। हाँ, इसका यूज़ हम R1 रीडिंग के अंदर करेंगे, R2 और R3 रीडिंग में नहीं करेंगे। तो अभी आप इसको देखेंगे और साथ में इसको डिस्टर्ब करके भी देखेंगे, क्या ये इससे और अच्छा दिख सकता है या फिर यही बिल्कुल बेस्ट पोजीशन है। ठीक है, एक एक जना इधर आते जाओ, इसको देखो और साथ में इसको डिस्टर्ब करके भी देखो, फिर हम अगले रीडिंग आपको बताएंगे। इधर आइए, फ्लैश लगो लाइट। ठीक है, आइए आप सब एक एक करके इसको देखिए। देखिए इस केस में जब वन ईयर का ज़ीरो इसके ज़ीरो से स्ट्रेट कॉन्साइडेड है, इसका मतलब ये हुआ MSD ज़ीरो, मेन स्केल रीडिंग ज़ीरो। अब जब मेन स्केल रीडिंग ज़ीरो है तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी हमें VSD को ज़ीरो लेना पड़ेगा। यहाँ पर VSD भी ज़ीरो, फिर उसको उसके लीस काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलीमीटर में, तो फाइनल ज़ीरो आ जाएगा, यानी R1 रीडिंग इज़ टोटली ज़ीरो। अब हम R2 रीडिंग लेने जा रहे हैं, यानी स्लैब का यूज़ करेंगे। ये मैंने स्लैब रखी, स्लैब रखने से क्या हुआ, मार्क अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा, यानी उसका अपेरेंट शिफ्ट हो जाएगा। तो अब अगर मैं चाहूँ तो इस रीडिंग को ज़ीरो पर ही रखते हुए वापस से इसको रीफोकस कर सकता हूँ, पर फिर उससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ। अगर मैंने मान लीजिए इसे ज़ीरो ही रखा और इसको वापस से डिस्टर्ब कर दिया, यानी फोकस कर दिया, तो मार्क तो ठीक है दिख जाएगा, पर रीडिंग थोड़ी मिली हमें। तो रीडिंग को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस फोकस को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। किसको डिस्टर्ब करेंगे, वर्टिकल स्केल को उठाएंगे, इसको मोमेंट देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि R1 रीडिंग में हमने इसे फिक्स रखा और इसको वेरी किया, आईपीस को ऊपर नीचे शिफ्ट किया। अब R2 और R3 रीडिंग के अंदर आईपीस को डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ स्केल को उठाएंगे इसको। ठीक है, तो मैं वही देख रहा हूँ कि ये मैंने स्लैब रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉन्स्टेंट रखूँगा, इसको उठाऊँगा। ठीक है, अब ये जो पोजीशन है ये आपको बिल्कुल पहले वाली तरह दिखेगी। तो आप लोग एक एक जने वापस से आएंगे और इसको देखेंगे। ठीक है, पर अब की बार आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ देखिए और शिफ्ट होते जाइए। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर आप लोग इसको देखेंगे क्या। इस टाइम ये रीडिंग 0.5 से स्ट्रेट कॉन्साइडेड है। अब आप सब देखिए, दो दो तीन तीन जने मिलके देखना, पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। 0.5 से स्ट्रेट कॉन्साइडेड है, वन ईयर का ज़ीरो मेन स्केल के 0.5 से स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ठीक है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। हो गया, तो देखो
जब ये बिल्कुल स्ट्रेट कॉन्सर्टेड है, यानी कि अगेन हमें वी एच डी जीरो लेना पड़ेगा क्योंकि वो वाली कंडीशन फुलफिल हो रही 51 ईयर = 49 मिनी स्केल। तो 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर प्लस अगेन 1 ईयर 0, और इसको इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि फाइनल रीडिंग आई 5 मिलीमीटर। अब हम R3 रीडिंग लेंगे, पाउडर पार्टिकल का यूज़ करेंगे, स्लैब के ऊपर पाउडर पार्टिकल्स डाल लें थोड़े से, तो बेस्ट मेथड है कि तुमने ऐसे ये लगाया और इसको टच किया, जितनी फाइन डस्ट होगी उतनी सही रीडिंग आएगी। मतलब आपको जो ये पाउडर पार्टिकल से बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, बहुत मामूली, बहुत हल्का सा, ठीक है। अब हम इन पार्टिकल्स को फिर से क्लियर देखने की कोशिश करेंगे। अब की बार हमें मार्क नहीं देखना है, उसके ऊपर पार्टिकल्स देखना है, यानी कि मैं फिर से इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सिर्फ इसको उठाएंगे, इसको वेरी करेंगे, ठीक है। अब आप सब दोबारा से आएंगे और इन पार्टिकल्स को देखेंगे, ठीक है। आइए, और इसके लिए एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं लाइट बढ़ा देता हूँ। क्लाउड जैसा लुक आता है ना, 10 times मैग्नीफाई ये कर रहा है, क्लाउड जैसा लुक, टॉप फेस की रीडिंग लेने के लिए। वैसे तो इस ग्लास स्लैब की थिकनेस को डायरेक्टली नाप सकते हैं स्केल से, पर उसमें एक्यूरेसी कम आई ऑप्टिकली नापने में, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है 0.01 मिलीमीटर, एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। ऑप्टिकली मेजर किया हमने बेस वाली रीडिंग ली, फिर टॉप फेस की रीडिंग ली, टॉप फेस की रीडिंग में से बेस वाली रीडिंग सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, R3 - R1 यानी विड्थ ऑफ ग्लास स्लैब, एक्चुअल डेप्थ आ जाएगी। फिर तुम जानते हो एक्चुअल डेप्थ अपन अपर एंड डेप्थ म्यू, अपर एंड डेप्थ जो उठा हुआ दिख रहा था वो थी R2 रीडिंग, टॉप फेस की रीडिंग R3 में से R2 रीडिंग सबट्रैक्ट करेंगे अपर एंड डेप्थ। अब आप दोबारा से इस रीडिंग को नोट करेंगे, स्केल को देखेंगे कितना वैल्यू हुआ है, सिक्स सेवन एट 1.75 और 1.8 के बीच में है मेरे हिसाब से। अब आप इसको देखिए, 1.75 और 1.8 के बीच में है सेंटीमीटर, एट है। चलो आप लोग देखिए, दिख रहा है सबको? चलो बेटा थोड़ा सा, ठीक है, देखिए आपको भी अगेन ये 1.8 से स्ट्रेट कॉन्साइडेड है, यानी 1.8 इज MSD सेंटीमीटर। तो देखिए 1.8 सेंटीमीटर यानी कि 18 मिलीमीटर
18 मिलीमीटर एमएसडी, जब जीरो मतलब ये 1.8 जीरो से स्टेट कॉन्साइडेड है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगेन आपको वीएसडी को ज़ीरो लेना है। इसको इसके लीज काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल वैल्यू 18 मिलीमीटर। ये हमारा एक सेट कंप्लीट है। अब हम इससे म्यू कैलकुलेट करेंगे। तो म्यू का क्या फॉर्मूला है? म्यू इक्वल्स टू R3 - R1 / R3 - R2। 18 - 0 डिवाइडेड बाय 18 - 5, 18 / 13। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक सेट कंप्लीट हुआ है। अगला सेट लेने के लिए आप क्या करेंगे, अब की बार इस वर्नियर के ज़ीरो को 0.5 सेंटीमीटर पर कॉन्साइड करवाएंगे। फर्स्ट रीडिंग R1 जो आएगी 0.5 पर रख करके लेनी है, फिर उसके बाद आगे बढ़ती जाएगी रीडिंग्स। उस केस में जो रीडिंग लिखनी है वो आएगी 5 मिलीमीटर प्लस 0 × 0.01 और फिर आगे बढ़ती जाएगी। तीसरे सेट में आप उसे 1 पे कॉन्साइड कराएंगे, वर्नियर के ज़ीरो को 1 सेंटीमीटर पर कॉन्साइड कराएंगे, यानी कि 10 मिलीमीटर प्लस 0 × 0.01 और फिर आगे बढ़ती जाएगी रीडिंग। इस तरह से इन तीन सेट के लिए जो म्यू कैलकुलेट करेंगे आप, उनका फाइनल एवरेज ले लीजिए। जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 1.5 के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। अब आप